बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। कुंभ राशि के जो जातक हैं 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक आपकी कुंडली में गुरु महाराज परिवर्तन हो के एक जगह पे बैठे रहेंगे, पूरे साल आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में विद्यमान रहेंगे। साल में मात्र एक बार गुरु महाराज अपनी स्थिति को चेंज करते हैं, इसलिए गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कुंडली में। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी जो स्थिति है, उनके जो कारक तत्व हैं, उनकी जो तीनों दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं, वो आपके लिए क्या क्या परिवर्तन ला रही है, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु महाराज वृषभ राशि पर परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहां पर गुरु महाराज जिस भाव में बैठ रहे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, तो यहां का जो कारक देव हैं वो शुक्र महाराज हैं। कारक देव शुक्र महाराज गुरु महाराज से अपोजिट बैठते हैं, लेकिन गुरु महाराज जब केंद्र में बैठेंगे तो यहाँ पर आपको निश्चित ही परिणाम अच्छा मिलेगा। यहाँ से जो देखा जाता है, आपके माता का सुख देखा जाता है, भूमि का सुख देखा जाता है, मकान का सुख देखा जाता है, बाग बगीचे, ये सारी चीज़ें आपके ऐश्वर्य की जो चीज़ें होती हैं वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। तो यहाँ के कारक देव शुक्र महाराज, यहाँ पर आपके माता का सुख जो होगा वो थोड़ा सा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन माता के द्वारा किया गया कार्य आपको निश्चित ही फायदा पहुँचाएगा। माता का सुख आपको नहीं मिलेगा, आपका उनके साथ बात विवाद बना रहेगा या उनकी स्वास्थ्य में कुछ तब्दीलियां होंगी, खराबी होंगी, लेकिन उनका जो लाभ है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यहाँ से आपके भूमि से रिलेटेड आपको कुछ नए साल में, जो ये साल भर होगा, गुरु महाराज कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे। मकान का सुख आपको मिल सकता है, ऐश्वर्य के रूप में आपको निश्चित ही मई से आप परिवर्तन देखेंगे। गुरु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है, जहाँ के कारक तत्व तो शनि महाराज और मंगल महाराज हैं। यहाँ से आपके आयु का क्षेत्र देखा जाता है, पुरातत्व का विभाग देखा जाता है, यहाँ से आपके मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, यहाँ से आपकी व्याधा देखी जाती है, लंबी यात्राएँ देखी जाती हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है पाँचवीं, वो आपके लिए मित्र के भाव से पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके आयु में विकास होगा, यहाँ से आपके आयु का विकास होगा। यदि आपके अंदर कोई रोग पुराना था तो आप निश्चित ही उसे अलविदा कहने जा रहे हैं। आपके अंदर नई ऊर्जा, नई चेतना अष्टम भाव से प्रतीत होगी, मिलेगी आपको। यहाँ पर गुरु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके आयु में वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वो मजबूती की तरफ हो जा रहा है गुरु महाराज की वजह से। गुरु महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दशम भाव पे पड़ रहा है, जहां के स्वामी शनि महाराज हैं और केंद्र पे त्रिकोण की दृष्टि से देख रहे हैं गुरु महाराज। यहाँ पे आपका कर्म देखा जाता है, पिता का क्षेत्र देखा जाता है, राज्य का विभाग देखा जाता है, यहाँ से आपकी नौकरी देखी जाती है, यहाँ से आप अच्छे कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपके कुंडली के दशम भाव से देखी जाती है। यहाँ पर गुरु महाराज आपके बिजनेस में, व्यापार में चार चांद लगाने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जो जातक है, गुरु महाराज का परिवर्तन आपके लिए सौभाग्य का परिवर्तन लेके आ रहा है। कर्म के हिसाब से आपके ऊपर गुरु महाराज मेहरबान होने जा रहे हैं, कर्म आपका निश्चित रूप से बदलेगा और बहुत अच्छी दिशा में उन्नति आपको लेके जाएगी। यहाँ से आपको पिता का सुख मिलेगा, राज्य में यदि आप कोई कार्य करेंगे, बड़े स्तर पर यदि आप पदवी पर हैं, तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान प्रतिभा में कर्म आपका वृद्धि ही करेगा। गुरु महाराज की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के द्वादश भाव पे पड़ रही है, जहाँ के कारक देव राहु महाराज है। यहाँ पर गुरु महाराज आपके खर्चे में वृद्धि करने जा रहे हैं, यहाँ पर गुरु महाराज आपके शौक में, क्योंकि आपका स्वभाव जो रहेगा थोड़ा सा खर्चीला रहेगा, बचत का प्रमाण आप कम कर पाओगे, तो यहाँ पर गुरु महाराज थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन और जगह पे आपको गुरु महाराज मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है, ओम ब्रिंग बृहस्पतये
नमः आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरुवार के दिन आप पीला चंदन, पीला वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दें। साथ ही साथ यदि आप दान करते हैं तो पीली वस्तुओं का, पीला दाल हो गया, पीला कपड़ा हो गया, पीला चंदन हो गया, यदि आप इसका दान करते हैं इससे भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत होंगे। साथ ही साथ यदि आप अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आप श्री हरि का जाप करते हैं तो भी आपके कुंडली के गुरु मजबूत हो जाते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोतम का पाठ करते हैं तो भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जो उचित लगे जिसे करने में आप सक्षम है वही उपाय करिएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।